नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। यूपी में लगातार लूट की घटना आए दिन सामने आते रहती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हर बार लूटपाट करने का तरीका अलग अलग होता है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कुछ ऐसा मामला ही सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, जहां लूटपाट करने वाले ने सारी हदें पार कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को ही मेरठ से हिरासत में ले लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम आज आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप किसी पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। खास करके ऐसे मामलों में अपने ही किसी करीबी पर भरोसा करना अक्सर गलत साबित होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में लूटपाट की घटना देखने को मिली है। दरअसल घटना नागल थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि अंबाला से सहारनपुर होते हुए मेरठ जाते वक्त लूटपाट की गई है। दरअसल पुलिस को सत्यम शर्मा नाम के शख्स ने इस लूटपाट की सूचना दी। सत्यम शर्मा मेरठ में गहनों के दुकान पर काम करते हैं। उनके मालिक का मेरठ में डायमंड के गहनों का कारोबार है। सूचना मिली कि सत्यम और उसका ड्राइवर तरुण सैनी अंबाला से सहारनपुर होते हुए मेरठ जा रहे थे। इस दौरान उनके पास डायमंड के गहने थे, जिसे उनके मालिक ने एक दूसरे सराफा व्यापारी को बेचने के लिए भेजा था। इसी दौरान रास्ते में 4 अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार को रोक लिया और उनसे लूटपाट की। सत्यम और ड्राइवर तरुण को हल्की चोटें लगी हुई है। वहीं कार के दोनों तरफ के से टूटे हुए थे। वही कार के आगे की तरफ भी डंडे से हमले करने का निशाना है। पुलिस की टीम ने जब मामले की तपिश की तो दोनों के ही बयान बिल्कुल अलग दिखे। इसके बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर दोनों ने स्वीकार किया कि इस वारदात को उन दोनों ने ही अंजाम दिया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सत्यम ने डायमंड ज्वेलरी वाला बैग अपने साले को दे दिया, जो कि मेरठ में रहता है। इसके बाद पुलिस द्वारा तीनों को ही मेरठ से हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि दोनों आरोपी के पास से गहनों के बैग को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें 36 हार, 20 ब्रेसलेट, 52 अंगूठी, 7 कंगन, 32 पेंडेंट, 73 कान के टॉप, 42 मंगलसूत्र को बरामद किया गया है। घटना के आरोपियों को सत्यम शर्मा, तरुण सैनी, हिमांशु, करण सिंह, गंगा दास को पुलिस ने दबोच लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि शातिर आरोपियों ने सराफा व्यापारी के गहनों को हड़पने के मकसद से लूट की झूठी कहानी बनाई, लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। आरोपियों ने खुद की बुनी जाल में फंस कर खुद ही पुलिस के सामने पोल खोल दी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।